बैंक के डेबिट कार्ड पे ईएमआई के कई सारे बेनिफिट है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं ईएमआई पे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है उसमें आप ईएमआई का फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं, ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे। एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाता है। कुछ सिलेक्टेड बैंक है जिसके डेबिट कार्ड पे आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे ईएमआई का फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड बैंक का डेबिट कार्ड है तो। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है, मुझे मिला है। तो मुझे कैसे मिला है, क्या क्या करना पड़ता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसमें मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का अगर डेबिट कार्ड है तो आपको उसमें मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके पास फेडरल बैंक में कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें आपको मिल जाएगा। एसबीआई का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, अच्छा प्रीमियम वाला डेबिट कार्ड है, तो उसमें आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई और ऐसे कार्ड है जैसे कि बजाज फाइनेंस कार्ड, इस तरह का कार्ड है तो उसमें भी आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिलती है। लेकिन डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी लेने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना होगा मंथली, और अपने बैंक अकाउंट में आपको कैश डिपॉजिट करके रखना होगा, यानी कि कैश डिपॉजिट विड्रॉल। अब जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा, आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई फैसिलिटी मिल जाएगा। लोन के लिए भी बैंक वाले आपको कॉल करेंगे। तो आपको अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड बैंक के अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, कोई भी डेबिट कार्ड है, मिलेनिया डेबिट कार्ड या फिर कोई भी डेबिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बस अर्थ है आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने होगी। मेरे पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, मिलेनिया डेबिट कार्ड है। मुझे यहाँ पे जो मेरे डेबिट कार्ड पे ईएमआई का फैसिलिटी मिला है वो पूरे 5 से 6 महीनों के बाद मुझे मिला है। अगर आप तुरंत सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तुरंत चाहते हैं आपके डेबिट कार्ड पे यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करनी होगी, ज़्यादा शॉपिंग करनी होगी, यानी कि बैंक को ये लगना चाहिए कि आप यहाँ पे जो भी डेट खर्च करेंगे वो पैसा आप दोबारा यहाँ पे कर पाएंगे ईजिली, तभी आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिलता है, ईएमआई वगैरह का फैसिलिटी मिलता है। और इस तरह का आप अच्छा ट्रांजेक्शन करेंगे, अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो आपको लोन के लिए भी बैंक वाले कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके डेबिट कार्ड पर यहाँ पर ईएमआई का भी फैसिलिटी दे देंगे। जितना आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है उससे कुछ अमाउंट ज़्यादा का यहाँ पे ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है। साथ ही इस डेबिट कार्ड पे कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, उसके रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड है, कोई सा भी आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड है, तो उसमें भी आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है तो भी आपको मिल जाएगा। फेडरल बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसमें आपको यहाँ पे ईएमआई का फैसिलिटी मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का तो आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में है तो भी आपको यहाँ पे ईएमआई का फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक या फेडरल बैंक के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज डेवलप किए हैं जो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है और उसमें आपको ईएमआई का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है आपके डेबिट कार्ड पे, तो आपको सिंपल ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है, यहाँ पे पैसे विड्रॉ करने हैं, कैश डिपॉजिट करते रहना है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड देखने को मिल जाएगा, इस तरह का मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप एसएमएस भी करके देख सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारा डिटेल दे दिए हैं, जिसे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पे आपका जो भी डेबिट कार्ड है उसमें आप एलिजिबल हैं ईएमआई के लिए या फिर नहीं। तो ईएमआई के लिए यहाँ पे बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड वाला मैसेज यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता है, अच्छा खासा आप मेंटेन कर रहे हैं, खुद से भी मैसेज करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।